मैं डियर स्टूडेंट्स, तो और एमबी क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले 12th न्यू सिलेबस एचएससी बोर्ड चैप्टर नंबर सेकंड मैट्राइसिस एंड एक्सरसाइज 2.2। पिछले वीडियो में हमने 2.1 किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिकॉज आपको ये देखना वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज वाइज अगर आपको 2.1 नहीं आता तो आप 2.2 नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए जो 2.2 का बेसिक्स है वो हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने में, का सॉल्यूशन विदाउट बेस हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, बेस देखते हैं हम इनका। ओके, यहाँ पे हमने पहले लिखा है माइनर। माइनर मतलब क्या, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे सब क्या है, सीरीज वाइज सेट है, मतलब ये फाइंड करेंगे उसके बाद ये फाइंड करेंगे उसके बाद ये फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमें माइनर फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, कोफैक्टर, उसके बाद क्या आएगा, कोफैक्टर मैट्राइसिस, देन यहाँ पे एडजॉइंट, उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे हमने इतने सारे लिखे रखे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये माइनर फाइंड करेंगे तो हमें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये फाइंड करना पड़ेगा कोफैक्टर। ओके, यहाँ पे एडजॉइंट के बाद इनवर्स ऑफ मैट्राइस, यहाँ पे एडजॉइंट हमने जैसे फाइंड किया उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर आपको दे दिया यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्राइस मैट्रिक्स फाइंड करना, ओके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप, ये हमेशा क्या हमारा फर्स्ट स्टेप है, एंड देन सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, अगर यहाँ पे एडजॉइंट नहीं फाइंड करते, यहाँ पे हमने सब फाइंड कर लिया तो हम यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है नहीं फाइंड कर सकते। ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है कौन से मेथड से, बाय एडजॉइंट मेथड से। ओके, यहाँ पे एडजॉइंट है, हमें इसका एक इनवर्स मेथड दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हमें इनवर्स दो तरीके से फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमने माइनर, ओके यहाँ पे माइनर हमने क्या लिखा है, माइनर, तो यहाँ पे जो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्राइसिस, इससे ये फाइंड होगा, इससे ये फाइंड होगा, तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे माइनर क्या होता है वो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ चलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एग्जांपल में एक मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या बना लिया ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे 1, 2, 3, 4, ओके एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, और क्या करते हैं यहाँ पे इसको नाम देते हैं कि हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है। ओके, एंड देन क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे आपको इसमें इस एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ पे इसके पोजीशंस जो है उन कौन से नंबर कॉलम में, वो भी आपको याद रखने, और उनके जो पोजीशंस है वो कैसे बनते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको इक्वल करके जो इसका पोजीशंस है वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ए 1, 2, 3, 4 उनके पोजीशंस के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे डिसाइड करते हैं यहाँ पे सब ए, ओके ए है, तो यहाँ पे जो 1 है क्या है, हमेशा क्या करते हैं हम एक 2x2 का जो रो हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं रो, रो क्या होता है यहाँ पे, दिस इज़ रो एंड दिस इज कॉलम, एक कॉलम फर्स्ट है, रो फर्स्ट है, एंड देन एरो 2 है, और ए रो यहाँ पे कॉलम 2 है, ओके यहाँ पे कॉलम 2, कॉलम 1, रो 1, रो 2, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे ए, ये क्या डिसाइड करेगा यहाँ पे इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 1 है, ओके तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो, पहले हम क्या करते हैं हमेशा रो, यहाँ पे 2x2, ये जो 2 क्या रहता है वो रो रहता है, ओके आर, और यहाँ पे सी, यहाँ पे कॉलम रहता है, जो 2 रहता है क्या रहता है कॉलम, यहाँ पे रो है, दो रो दो कॉलम है, ओके तो यहाँ पे 1 क्या पे किसकी पोजीशंस में आता है देखते हैं, यहाँ पे रो फर्स्ट में, ये कौन सा फर्स्ट रो में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या है कॉलम कौन सा, यहाँ पे इसका फर्स्ट है, ओके यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, ओके
पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ओके। एंड देन यहाँ पे चलिए इसका पोजीशन डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया। कैसे हुआ 11? यहाँ पे रो फर्स्ट में कौन सा कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है। आपको पता रहना चाहिए कि पहले हम क्या लेंगे, रो, एंड देन क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, ओके। यहाँ पे क्या, फर्स्ट जो रहेगा हम क्या लेंगे, रो, एंड सेकेंड में सेकेंड स्टेज जो रहेगा वो कॉलम का रहेगा। यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इसको याद रखना भूल गए तो यहाँ पे आपको बनाने आएगा तो और ही इसका जो बेसिक्स रहेगा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका पोजीशन हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन पे टू के पोजीशन से हमने लिखा है, तो यहाँ पे टू क्या है, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे वन, जैसे हमने ऐसे लिखा था। एंड देन यहाँ पे कॉलम कौन सा है, कॉलम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड कॉलम है, टू क्या है, सेकंड कॉलम में आता है, तो यहाँ पे ये टू, ओके। यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। चलिए यहाँ का इसका पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे थ्री, थ्री में क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रो, पहले हम क्या देखेंगे, रो देखेंगे, रो कौन सा है, यहाँ पे सेकंड रो है, ओके। यहाँ पे क्या है, सेकंड रो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले टू लिखेंगे सिंपल, उसके बाद क्या देखेंगे, कॉलम, कॉलम कौन सा है, यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम दिया गया, तो यहाँ पे जो थ्री है कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे वन, ओके। एंड देन यहाँ पे एक, यहाँ पे फोर का पोजीशन, तो फोर देखते हैं, यहाँ पे क्या, फोर कौन से रो में, सेकंड रो में, यहाँ पे टू। एंड देन क्या है, यहाँ पे कॉलम देखते हैं, फोर कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे क्या होगा, 22। तो क्या है, यहाँ पे आपको जो पोजीशन है ये पूरे आपको एक्सरसाइज में काम आने वाले, ओके। तो यहाँ पे आपको पोजीशन आप याद रख सकते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे बताया है यहाँ पे बनाने के लिए आप वैसे बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको, इसका पोजीशन था जो ऐसे ही करना था, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी इसका माइनर फाइंड करना है। जब माइनर कैसे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसका ए 11 मतलब ये वन का माइनर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए 11, ओके, ए 11। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ए किसके लिए लिया था, ए इसकी पोजीशन के लिए लिया था, बट हमको फाइंड क्या करना है, माइनर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से, यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा, यहाँ पे आपको इसका पोजीशन पहले पता चले, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, माइनर फाइंड करना है, ओके। तो माइनर फाइंड करना क्या करेंगे, यहाँ पे एम, यहाँ पे ए की जगह क्या करेंगे, हम एम करेंगे 11, मतलब क्या, यहाँ पे माइनर किसका फाइंड करना है, 11 का। 11 किसकी पोजीशन पे, 11 कौन से एलिमेंट का पोजीशन से, यहाँ पे ए, ए का 1, ओके। यहाँ पे 1 दिया गया, तो 11 यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे इसका पोजीशन है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनर 11, तो यहाँ पे हमें इसका फाइंड करना है माइनर। तो माइनर हम यहाँ पे इसका कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन से रो में, फर्स्ट रो में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हाइड करेंगे। एंड देन क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो। तो यहाँ पे जो इसके सामने जो नंबर बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, इसका माइनर। और एक तरीका, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन का अपोजिट, वन के सामने, मतलब क्या, यहाँ पे नीचे साइड ऐसा एरो की तरह, यहाँ पे एरो की तरह उसके सामने कौन है, ओके, एज अ अपोजिट यहाँ पे उसके सामने कौन है, वन के, तो फोर है। तो यहाँ पे हमें माइनर ऐसे फाइंड करते हो, ओके। माइनर फाइंड करना इजी है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे एम और उसकी पोजीशन क्या है वो लिखनी है हमें, बाद में इक्वल टू जो वो नंबर के अपोजिट है, ओके। यहाँ पे क्या है, रो कॉलम हम हाइड करेंगे ऐसे, और शॉर्टकट है इससे हमें पता चलेगा। बट यहाँ पे अपोजिट क्यों, अपोजिट क्या, आप एग्ज़ाम में ऐसे इसको अपोजिट यहाँ पे हाइड नहीं करते बैठेंगे, ओके। यहाँ पे आपको ऐसा इजी रहेगा कि ऐसे अपोजिट यहाँ पे एरो की तरह जो नंबर है आप एलिमेंट उसको यहाँ पे लिख सकते, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए 11 मतलब यहाँ पे एम 11 हमने किया, उसके बाद ए 12 इसकी पोजीशन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम 12 इक्वल्स टू, अब क्या है, एम 12 क्या है, यहाँ पे एम 12 क्या है, ये 2 है। अब 2 का, टू का क्या अपोजिट, मतलब क्या उसका माइनर क्या है, हमें इसका माइनर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो हाइट करेंगे, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट के लिए हम ऐसे एरो, ओके, नीचे साइड, ओके। यहाँ पे क्या है, 3 सिंपल,
एंड देन यहाँ पे क्या करना है, A21 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M माइनर फाइन कर रहे हैं, M21 क्या है, यहाँ पे 3 दिया गया है, ओके यहाँ पे M21 क्या है, 3 है, तो 3 के अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है, 2, ओके अगर यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे रो, एंड देन क्या करेंगे यहाँ पे इसका कॉलम हाइड करेंगे तो भी हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे 2 दिखेगा, ओके तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, यहाँ पे ऐसे ही 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देंगे लास्ट का M22 क्या हो जाएगा, ये 4 का 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपने अभी क्या सीखा, यहाँ पे माइनर कैसे फाइंड करना है एक बार वापस से देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पोजीशन जो है, पोजीशन हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। एंड देन क्या इसका A11 हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट। 12 कैसे लिखा है, यहाँ पे रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट जो है क्या है रो का है, एंड देन सेकंड क्या है कॉलम का है, और यहाँ पे जो 3 है वो क्या है रो 2 है, और ये कॉलम फर्स्ट है, और यहाँ पे इसका जो पोजीशन 4 का वो क्या है, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे रो जो है सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है, सॉरी कॉलम सेकंड है, ओके हमने यहाँ पे इसलिए 22 लिखा है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, इसके पोजीशन कैसे बनाते हैं, या फिर आप इसके जो पोजीशन वो याद कर सकते हैं, ओके। उस याद हमने यहाँ पे माइनर फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमने अभी सीखा फर्स्ट स्टेज, ये हमारा क्या था फर्स्ट स्टेज माइनर, MINOR माइनर कैसे फाइंड करते इतना, एंड देन उसके बाद क्या सीखेंगे हम कोफैक्टर। तो हम यहाँ पे कोफैक्टर कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब क्या मैं ये फाइंड करूँगा तो ये फाइंड कर पाऊँगा, सेकंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज, इसका क्या करेंगे कोफैक्टर मिलने के बाद क्या कोफैक्टर का मैट्रिक्स कर देंगे, उसको हम मैट्रिक्स में बना देंगे बॉक्स में, ओके। तो चलिए सेकेंड स्टेज देखते, जो कोफैक्टर रहता है ना इसका क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है, ओके इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो पूरा आगे का सम वो डिसाइड होता है सॉल्यूशन के बाद। तो यहाँ पे मैं उसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ और कैसे बना वो हम देखेंगे, ओके। यहाँ पे क्या है ए, ए मीन्स क्या, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, अज्यूम किया था हमने यहाँ पे इसको ए मैट्रिक्स माना था, एंड देन उसके बाद क्या किया था हमने यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करके उसकी पोजीशन हमने माइनर निकाली थी। कोफैक्टर के लिए उसका क्या यूजेस रहेगा इन माइनर का वो भी हम देखेंगे इस सॉल्यूशन में, ओके। तो यहाँ पे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आई, यहाँ पे आई किसके लिए रहता है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर, यहाँ पे जो आई रहता है वो क्या इसका काम करता है रो, ओके। और एंड देन जे, ये क्या है मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये क्या रहता है कॉलम रहता है हमारा, ओके। एंड देन क्या रहता है यहाँ पे इक्वल का साइन, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट माइनस 1 रहेगा, और उसके ऊपर क्या रहेगा आई, आई मतलब क्या रो प्लस जे, जे मतलब क्या कॉलम हमारा, ओके। उसके बाद क्या रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा किसके साथ मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए ये जो 11 है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बड़े में लिख के, यहाँ पे जो M11 है, ये जो यहाँ पे 1 है ये क्या हमारा आई है, और यहाँ पे ये जो 1 है नेक्स्ट कॉलम वाला वो क्या है जे है, ओके। तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है सिंपल, यहाँ पे क्या है MIJ के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए इसका हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे M11 लेते, तो क्या यहाँ पे ए आई क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब आई क्या है रो है, ओके। और क्या यहाँ पे जे क्या है 1 है, जे क्या है कॉलम, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट कंफर्म कर लिया हमने, एंड देन यहाँ पे -1 का एज इट इज़, यहाँ पे क्या आई क्या है 1, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, जी क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब क्या अगर हम इसको प्लस करते हैं 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2, तो मतलब -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया गया नेक्स्ट हमें M, M कितना है
देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे देखना एम आई जे, एम आई जे मतलब क्या है, यहाँ पे एम 11 है, तो एम 11 कितना दिया गया हमें यहाँ पे, इसका मैट्रिक्स एम आई जे का मैट्रिक्स कितना है, 4 है, तो क्या यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट 4 लिख देंगे। ओके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 4। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला का सेटअप था वो रेडी हो गया, हमने यहाँ पे उनके वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे ए 11 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इंटू 4। यहाँ पे क्या होगा -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए -1 इंटू -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1 इंटू 1 हमें 1 मिलेगा। ओके ये क्या हो जाएगा 1 अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना मिलेगा 4। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू अभी फाइंड हुई, ए 11 की, ऐसे ही हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए 12, ए 21 एंड देन ए 22। यहाँ पे जो मैट्रिक माइनर है हमें उसको क्या करना है, को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ओके चलिए हम यहाँ पे क्या किया, अभी हमने ए 11 का फाइंड किया है, उसके बाद क्या इसका फाइंड करते ए ए 12। ओके यहाँ पे 1 क्या है रो है, 2 क्या है जे, 1 क्या है रो आई है वैल्यू, जे 2 है क्या हमारा कॉलम। ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या 1+2 एम 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 क्या हमने यूज़ किया यहाँ पे 12, एम 12 है, तो यहाँ पे कितना दिया गया हमें, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे इंटू, यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटू का साइन नहीं डालते, यहाँ पे पॉइंट इसकी बराबरी करता है। ओके यहाँ पे इस टाइम पे हम क्या करते हैं पॉइंट डालते हैं, पॉइंट किसका वो रहता है साइन मल्टीप्लाई का। ओके यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट नहीं डालते तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर साइन पुटिंग है वो परफेक्ट नहीं रहेगा, मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1+2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। ओके तो यहाँ पे -1 है 3, अब 3 मतलब क्या हो गया यहाँ पे क्यूब हो गया, अब क्यूब का क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम क्या करते इसे हटाते -1 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे -1 -1 क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, यहाँ पे क्या है इंटू -1 -1 मतलब क्या, यहाँ पे हमें वापस से -1 ही मिलने वाला, क्यों यहाँ पे एक ही साइन है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो क्या हो जाता वहाँ पे प्लस हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले किया था। ओके तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में आएगा -1 और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको बिना सॉल्व किए, एक्चुअल में तो सॉल्व करना है बट आपको पहले इसका जो आंसर का कन्फर्मेशन है वो हो जाएगा, कैसे होगा यहाँ पे आपको अभी और अच्छे से ध्यान देना है। देखिए पहले क्या करना है इवन ऑड, अब इवन ऑड नंबर क्या, तो यहाँ पे देखते हैं इवन क्या होता है 2, 4 देन 6 जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। ओके 8 और 2 के टेबल्स में आते हैं, और यहाँ पे क्या होगा ऑड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 तो और भी आगे क्या है इवन नंबर्स है और ऑड नंबर है। ओके तो यहाँ पे अगर क्या होगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या इनका एडअप में क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एडअप करेंगे। ओके क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे 4 टाइम माइनस यहाँ पे 2 वहाँ का 2 ऐड हो जाएगा। ओके तो यहाँ का जो साइन रहेगा इसमें
या नेगेटिव या प्लस का कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो जैसे हमें क्या रहेगा, माइनर में मिला रहेगा, उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अगर नंबर क्या होता है वहाँ का, क्यूब स्क्वायर फोर्थ फिफ्थ आता है, तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर स्क्वायर आता है, फोर्थ आता है, सिक्स्थ आता है, एट आता है, तो क्या होगा, वो प्लस होगा, मतलब उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अगर वो माइनस फोर रहेगा तो आगे भी क्या उसका कोफैक्टर जो रहेगा वो भी माइनस फोर आएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए माइनस फोर है तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री फाइव सेवन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा वो माइनस वन से। ओके, तो यहाँ पे उसका जो साइन रहेगा प्लस में रहेगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस में तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ओड और इवन का साइन का आइडेंटिटी आपने याद कर लिया अगर, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने A11 A12 फाइंड किया, और उसके बाद क्या हमारा बचा हुआ 21 एंड देन 22 फाइंड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही करें और आपको जो फॉर्मूला वो याद हो जाए सिंपल। तो यहाँ पे हम वापस लिखते Aij इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस वन आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या, ए हमने क्या किया था, यहाँ पे 12 तक फाइंड किया था, अब ए 21। ओके, यहाँ पे ए 21 लिखते इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस वन आई प्लस जे, यहाँ पे आई क्या है टू है, प्लस जे क्या है यहाँ पे वन, जे क्या है हमारा कॉलम है, और इन टू एम आई जे, एम आई जे 21। देखते हैं यहाँ पे माइनर कितना, 21 का माइनर हमें यहाँ पे 2 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिखेंगे सिंपल। चलिए, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने बताया क्यूब है तो क्या होगा, हमेशा उसे माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा। अगर वो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो 2 है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना, पहले 2 प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 3 मिलता है। अब 3 मिलता है तो यहाँ पे हमें 2 दिया गया, अब 3 मिला मतलब क्या, हम यहाँ पे उसको माइनस 1 से करेंगे, मतलब जो साइन रहेगा उसका चेंज होगा। यहाँ पे क्या, हमें प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसका जो वैल्यू था हमने कोफैक्टर हमने इसका निकाल लिया, ए 21 का कोफैक्टर कितना है, माइनस 2 है, एंड देन क्या करेंगे, ए 22 का निकालेंगे। ओके, तो ए 22 लिखते हैं यहाँ पे सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 1 ए 21, तो मतलब 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 प्लस 2 यहाँ पे आई एम एम आई जे कितना, एम आई जे ए एम आई जे मतलब क्या, ए 22 मतलब एम 22 यहाँ पे हमें कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। ओके, यहाँ पे हमने ये 1 लिख देंगे सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू ये 1। तो यहाँ पे देखिए 4 होता क्या हो, 4 क्या है, इवन नंबर है। ओके, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, और 4 इवन नंबर, इवन नंबर किससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 ही रहेगा। ए 22 को फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमने क्या किया अभी तक, यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने यहाँ पे अभी 2 फाइंड कर लिया, माइनर कोफैक्टर, एंड देन क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स करेंगे। ओके, कोफैक्टर का क्या करेंगे, मैट्रिक्स करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। चलिए, इसका को मैट्रिक्स कैसे करते हैं, कोफैक्टर का वो हम करते हैं यहाँ पे नीचे। तो ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हमें जो वैल्यूज है उसे हम यहाँ पे बॉक्स में कर लेते हैं। हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे, एक इसका A11 का है और यहाँ पे A12 का वैल्यू है, एंड देन हमने नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे A21 फाइंड किया था, उसके बाद A22 हमें यहाँ पे 1। ओके,
तो यहाँ पे इसके पोजीशंस पे हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है और उसके अंदर ये इन सब एलिमेंट्स को फुलफिल करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको साइड में देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। उसके पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट कैसा रहेगा ऐसा। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2x2 की वैल्यू जो फुलफिल करने, अगर यहाँ पे 3x3 में इन सब वैल्यू मतलब क्या 9 वैल्यू आते हैं, तो 3x3 में हम बॉक्स बना के ब्रैकेट बना के उसको फुलफिल करते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स में चलिए क्या करते हैं, एलिमेंट फुलफिल करते हैं। यहाँ पे A11 है, A11 का जो प्लेस है वो फर्स्ट में आता है, मतलब क्या यहाँ पे 4 है जो फर्स्ट लिखा आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो बॉक्स हम फिल कर लेंगे उसको बोलते हैं को फैक्टर का मैट्रिक्स कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमें को फैक्टर ऊपर फाइंड किया, इसका हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। एंड देन क्या है, यहाँ पे A12 है, A12 क्या है, यहाँ पे -3, यहाँ पे इसके प्लेस पे लिख देंगे -3। एंड देन यहाँ पे क्या है A21, मतलब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इसके वैल्यू। एंड देन A22 कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का यहाँ पे हम लिखेंगे 1। हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अभी को फैक्टर मैट्रिक्स कर लिया, को फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड किया A11 A12 A21 A22, बाद में उसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया, एलिमेंट पुट कर दिए उसके, तो क्या हो गया को फैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखते हैं, हमने अभी कितना कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनर को फैक्टर एंड देन को फैक्टर मैट्रिक्स का हमने मैट्रिक्स कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, अब हम एडजॉइंट पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, इससे आपको और इजी हो जाएगा। ओके, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता है, AIJ, यहाँ पे ये ब्रैकेट में इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोज, हम क्या करते हैं इसका यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। ओके, तो हम इस ट्रांसपोज में करते हैं क्या, एक्चुअल में यहाँ पे देखिए जो को फैक्टर हम फाइंड किए रहते उसी को फैक्टर का, देखिए यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चंस है ना ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो को फैक्टर हमने फाइंड किया इसका क्या करेंगे, जो रो है उसका क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, और जो कॉलम है उसका क्या कर देंगे, रो कर देंगे। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है एडजॉइंट करना। एडजॉइंट में क्या करते हैं, AIJ हमने यहाँ पे जो फाइंड किए इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, तो चलिए इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। आप देखिए, आपको ध्यान से देखना हम कैसे करते हैं, आप एक कॉलम का रो करेंगे, रो का कॉलम करेंगे, एक ही यहाँ पे क्या है Row 1, तो ये हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे 4-3 है, तो 4-3 क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसकी इजी वे, ओके, इसको फाइंड करने का। एंड देन यहाँ पे क्या करना है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, Row 2 का कॉलम 2 में क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, ट्रांसपोज मतलब यहाँ पे देखिए Row 2 है, क्या है, -2, 1, तो इसका कॉलम कर देंगे हम -2, यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे Row 1 का कॉलम 1 किया हमने, कॉलम यहाँ पे Row 2 का कॉलम 2 किया। ओके, तो यहाँ पे एडजॉइंट में ये कन्वर्ट हो गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। हमने इनका क्या किया, को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया। यहाँ पे जो यहाँ पे T है इसका क्या है, ये फॉर्मूला यहाँ पे इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो हमें क्या एडजॉइंट मिला। चलिए नेक्स्ट देखते, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे एडजॉइंट के बाद क्या है हमें दिया गया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं, उसका जो सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसमें माइनर करना रहेगा, उसके बाद को फैक्टर करने रहेंगे, यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है उसे हम देख लेते हैं। ओके, और उसका जो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में देख लेंगे कि उससे हमें पक्का इसका सॉल्यूशन हमें मालूम पड़ जाएगा, उसका कैसे क्या करना है वो भी। ओके,
चलिए देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मानिए यहाँ पे हमने कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करते, कोई मैट्रिक्स उसको नाम देते, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हमने ए मान लिया, ओके, कोई मैट्रिक्स उसका हमने नाम यहाँ पे लिख दिया। सिंपल, यहाँ तक आपको क्लियर? एंड देन क्या, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ए इंटू बी इक्वल्स टू आई। आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये डायगोनल यहाँ पे इसका रहता है ये क्या होता है, वन, और जो इसके अदर्स बच्चे रहते हैं वो क्या रहते हैं, जीरो। ओके, तो यहाँ पे इसका आपको डायगोनल याद रखना है। अगर आप यहाँ पे इसका 3x3 का बनाते तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे इसका जो बेस है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अगर यहाँ पे क्या होगा, 3x3 का जो क्या है डायगोनल क्या होगा, वन रहेगा, वन वन एंड ईयर वन, और ये सब जो बचे हुए रहेंगे वो क्या रहेंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इसका सिंपल ट्रिक है इसको क्या है याद रखने का, ओके, यहाँ पे 3x3 का, यहाँ पे 2x2 का, इसका जो डायगोनल है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मतलब ये क्या है, यहाँ पे यही जो हमेशा आइडेंटिटी में क्या होता है, ये हमेशा वन रहता है, मतलब यहाँ पे बाकी सब जगह ज़ीरो, ये क्या है आइडेंटिटी की पहचान है। ओके, तो यहाँ पे ए इंटू बी करेंगे तो हमें क्या आइडेंटिटी होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी को यहाँ पे भेजते इक्वल्स टू यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी रेस टू माइनस वन, ओके वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू आई बी रेस टू बी इनवर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, बी इनवर्स हो जाएगा। अगर क्या करते हैं यहाँ पे देखिए आप, ए का इनवर्स कर देते हैं हम, ओके, तो ए भी क्या होगा हमारा, ए क्या होगा हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, जिसे ए इंटू बी, ए का इनवर्स हमने कर दिया यहाँ पे, इनवर्स कैसे करते हैं यहाँ पे, ए ए का क्या कर देंगे यहाँ पे हम माइनस वन, अगर यहाँ पे सी है तो सी माइनस वन, तो इसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता। ओके, तो यहाँ पे हम इसका जो इनवर्स है इसको ऐसा करते, उसको रेस टू माइनस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। सिंपल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इंटू ए रेस टू माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, बट जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब हम इसका अच्छे से समझेंगे। बस आपको यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है ना, आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमें दिया गया है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इनवर्स क्या करना है बाय जो एडजॉइंट मेथड से। एडजॉइंट तो आपको पता है, एडजॉइंट हम क्या करते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनवर्स करना है, किसके थ्रू, एडजॉइंट मेथड से करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, पहले ए रेस टू माइनस वन को फाइंड करने के लिए, यहाँ पे क्या है, ए रेस टू माइनस वन फाइंड कैसे होगा, इसका इनवर्स कैसे फाइंड होगा। ओके, यहाँ पे वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट, जो हमें यहाँ पे ये है ए, उसका क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, ये आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम साथ में तो सब करने वाले, ये भी देख लेंगे। ओके, इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। सिंपल, एंड देन नेक्स्ट क्या है, इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एडजॉइंट ए के साथ, एडजॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे इसका इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड का ये फॉर्मूला है, ए इनवर्स, ओके, ए रेस टू माइनस वन को फाइंड करने के लिए वन अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ओके, आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा, बट जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तब हम समझ लेंगे। ओके, यहाँ पे हमें नीचे दिया गया है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, यहाँ पे जो इसके अंदर ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करके इनका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी देखिए ये होगा, कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स का ये दोनों का है फाइंड करने का मेथड, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था। ओके,
तो उसका यहाँ पे ये रहेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। दो मेथड हमें यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट एंड देन सेकंड। पहला क्या है, एडजॉइंट मेथड, यहाँ पे एलिमेंट्री मेथड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का। यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओके, इसमें मैंने आपको क्या आइडेंटिटी कैसे होता है, उसके डायगोनल्स वन रहते वो मैंने बताया था, ओके। तो यहाँ पे उसके दो मेथड्स है, आपको इनके फर्स्ट फॉर्मूला एंड देन ये सेकंड फॉर्मूला याद रखना है। चलिए हम क्या करते हैं, हमारा एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो इतना बेसिक्स था जानना ज़रूरी वो हमने देख लिया, और जिनके सॉल्यूशन है फॉर्मूले के वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ओके। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर पहले सॉल्व करने के पहले कौन सा स्टेप रहता है, माइनर, ओके। आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखने, देखिए हमें पहले क्या करना है, फाइंड माइनर करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कोफैक्टर। आपको जो स्टेप्स है वो अच्छे से याद रखना है, जिससे आप क्लियरली फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप माइनर एंड देन कोफैक्टर हमें मिल जाएगा, ओके, इस मैट्रिसेस का। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम पोजीशन लिखेंगे। इसका मैंने आपको पोजीशन कैसे डिनोट करने के लिए बताया था, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, एंड देन यहाँ पे ए वन का पोजीशन, यहाँ पे पहले हम सबका पोजीशन ए ए करके दे देते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या है, रो फर्स्ट और ए रो सेकेंड, एंड देन एक कॉलम फर्स्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम वन वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, सॉरी यहाँ पे हम ये देखेंगे पहले टू, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो एंड देन दिस सेकेंड कॉलम वन टू हो जाएगा। पहला रो कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड रो का टू, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट का ये थ्री वन, सेकेंड रो का टू, यहाँ पे कॉलम सेकेंड का ये सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हमें इसकी पोजीशन ऐसे डिनोट करके बतानी है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा माइनर जो है फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी पोजीशंस वाइज माइनर फाइंड करेंगे। यहाँ पे नीचे ऐसे लिखेंगे हम, देखिए एम ये क्या है, एलेवन, किसका माइनर, इसका माइनर, ओके। उसके बाद क्या है, एम ट्वेल्व, एम इसके बाद क्या, ट्वेंटी वन, यहाँ पे ये, ओके। इसके बाद एम ट्वेंटी टू, सिंपल। तो यहाँ पे हमें इन सब का अभी माइनर फाइंड करते हैं चारों का। मैंने क्या बताया था, देखिए M11 मतलब ये है, ओके, इसका पोजीशन A है। तो इसके अपोजिट क्या है, अपोजिट, और आप यहाँ पे इन दोनों को हाइड करके भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए इनको हाइड करते हैं यहाँ पे ऐसे, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, फोर, ओके। तो यहाँ पे 11 का फोर हो जाएगा, सिंपल। एंड देन क्या करना है, ये M12 यहाँ पे ये, इसको यहाँ पे इसका ये कॉलम और यहाँ पे दोनों रो हाइड किए, हमें क्या मिल रहा है, माइनस थ्री, ओके, माइनस थ्री। इसके बाद क्या है, M21 यहाँ पे M21 इसके पोजीशंस यहाँ पे, इन दोनों को हाइड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखिए, क्या है, रो एंड देन दिस। तो यहाँ पे क्या देखिए, इसका शॉर्टकट अपोजिट ए, ओके। हाइड करने के बाद हमें क्या मिला था, टू, एंड देन क्या है, रो टू कॉलम टू, यहाँ पे क्या है, रो टू हो गया एंड देन दिस कॉलम टू। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस वन, तो क्या लिखेंगे, माइनस वन। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक बार हाइड करके कि कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे माइनर, और डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं इसका अपोजिट देख के फटाफट, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, ओके। एंड देन उसके बाद क्या करना है हमको, माइनर के बाद क्या करना है, को फैक्टर निकालना है, ओके। तो को फैक्टर कैसे निकाल दे, देखते को फैक्टर, ओके, लिखते हैं यहाँ पे को फैक्टर। एंड देन क्या, को फैक्टर का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ओके, ए आई जे इक्वल्स टू
यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस वन, यहाँ पे आई, आई मतलब यहाँ पे क्या है रो है, और जे यहाँ पे प्लस करेंगे कॉलम, मतलब जे क्या है कॉलम, और क्या है यहाँ पे इनटू है एम आई जे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको ही चारों को सॉल्व करेंगे और जो मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा को फैक्टर वैल्यू। पहले हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे ए। ओके, फर्स्ट आई क्या है यहाँ पे, पहला हम निकालेंगे पहले का माइनर का, क्या करेंगे को फैक्टर करेंगे, यहाँ पे आई क्या है वन है एंड जे क्या है वन है। ओके, यहाँ पे ऐसे आपको वैल्यू, यहाँ पे हमें आई जे की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या है माइनस वन, यहाँ पे आई प्लस जे, आई प्लस जे क्या है वन प्लस वन है, यहाँ पे क्या इनटू में एम कितना है आई जे। एम मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, एम नहीं लिखना डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए एम आई जे, यहाँ पे क्या इलेवन है, मतलब क्या एम का इलेवन, एम इलेवन कितना है फोर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट फोर लिखेंगे। ओके, एम आई जे का हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट फोर, सिंपल। एंड देन क्या करेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, मतलब क्या माइनस वन का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वन ही मिलेगा, मैंने आपको बेस में बताया अभी। ओके, और यहाँ पे इसे इनटू फोर करेंगे, सिंपल, यहाँ पे वन और यहाँ पे इनटू फोर करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर ही आएगा। ओके, यहाँ पे इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नीचे ए आपका ए ट्वेल्व। ओके, आई का वैल्यू क्या है वन, जे का वैल्यू कॉलम मतलब यहाँ पे टू, कितना है ट्वेल्व है। ओके, एंड देन क्या करेंगे हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं एज इट इज़। देखिए आपको बार बार फॉर्मूला का लिखना है यहाँ पे ए वन और ए प्लस और ए टू, एंड देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई एम आई जे, यहाँ पे कितना है माइनस थ्री है, माइनस थ्री। ओके, यहाँ पे डॉट ए क्या है मल्टीप्लाई का साइन, सिंपल, यहाँ पे वन प्लस थ्री, मैंने आपको बताया था अगर थ्री ऑड नंबर है तो क्या होगा साइन में चेंजेस नहीं होगा, माइनस का माइनस ही है, माइनस वन रहेगा। ओके, यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्री। ओके, एंड देन नेक्स्ट निकालते हैं यहीं पे हम क्या है, हमें इसके बाद एलेवन और ए ट्वेल्व के बाद ए ट्वेंटी वन, यहाँ पे अब क्या को फैक्टर ए ट्वेंटी वन देखते क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस वन एज इट इज़, यहाँ पे क्या टू प्लस वन लिख देंगे फटाफट लिखते हैं, यहाँ पे एम आई जे क्या हमारा वैल्यू दिया गया है टू दिया गया है तो टू लिखते। ओके, यहाँ पे क्या है टू प्लस वन कितना होगा थ्री होगा, तो थ्री होगा क्या हो इवन नंबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या यहाँ पे माइनस वन का माइनस वन ही नीचे आएगा और यहाँ पे ये टू, इसके साइन क्या हो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या होगा इसका जो साइन रहेगा माइनस वन इंटू टू तो क्या होगा माइनस टू हो जाएगा। ओके, साइन चेंज हो जाएगा अगर क्या रहेगा वन प्लस थ्री, मतलब क्या ऑड नंबर, अगर उसका जगह इवन नंबर रहता तो यहाँ पे जो हमारा ये माइनर है यहाँ पे इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं रहता, अगर ऑड है तो ही चेंजेस होंगे। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट याद रखना आपको, यहाँ पे ए ट्वेंटी टू देखते ए ट्वेंटी टू कितना दिया गया, फॉर्मूला लिखते फटाफट, यहाँ पे क्या है टू प्लस टू एंड देन एन टू, यहाँ पे कितना है माइनस वन दिया गया है माइनस वन। ओके, यहाँ पे टू टू क्या है फोर क्या है इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होगा इसके साइन में चेंजेस नहीं होगा। ओके, यहाँ पे क्या ये हो जाएगा वन हो जाएगा और जो यहाँ पे माइनस इसके साइन में चेंजेस नहीं होगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करते हैं इनटू माइनस वन करें वन इनटू माइनस वन करेंगे कितना मिलेगा हमें माइनस वन ही मिलेगा। ओके, जो यहाँ पे माइनर हमें पहले से दिया गया है अगर वो ऑड होता है यहाँ पे ए आई जे को ऐड करने के बाद तो वो सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे को फैक्टर निकाल लिया इनका ए इलेवन ए ट्वेल्व ए थर्टीन एंड देन ए ट्वेंटी टू। ओके, ए ट्वेंटी वन यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है इसके बाद आपको साथ में नीचे लिख देते हैं, देखिए इसके बाद और एक स्टेप था, क्या था वो हमारा
कोफैक्टर का मैट्रिक्स करना था, तो यहाँ पे वो दिया नहीं गया, यहीं पे तक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते, लास्ट में प्रॉपरली ऐसे लिख देते। ओके, यहाँ पे ए ट्वेल्व, ए ट्वेल्व कितना मिला हमें, थ्री, एंड देन ए ट्वेंटी वन कितना मिला हमें, माइनस टू मिला। ओके, एंड देन क्या मिला, ए ट्वेंटी टू कितना मिला, देखिए ए ट्वेंटी टू कितना मिल गया हमें, माइनस वन मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सब क्वेश्चन टू देखते हैं। ओके, यहाँ हमें सब क्वेश्चन टू में दिया गया ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारा गिवन मैट्रिक्स। ओके, ए हमारा क्या है, गिवन मैट्रिक्स है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जो पोजीशन है वो हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे फटाफट इनका पोजीशन, पहले देखिए आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है कि इनका पोजीशन लिखना है। ओके, यहाँ पे इसका पोजीशन पहले ए यहाँ पे, ओके सब ए हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसा दिया गया ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके पोजीशंस लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे ए ए एंड देन हियर ए। इसके बाद इनका पोजीशंस लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आप ये क्या है, फर्स्ट है, क्या रो फर्स्ट है, पहला हम क्या करेंगे रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड देन रो थर्ड, यहाँ पे हमारा है कॉलम फर्स्ट। यहाँ पे देखिए मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। ओके, आपको बार बार इसे प्रैक्टिस करना है, आप सब सॉल्व करेंगे तो ये खुद ही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या देखते, क्या रो वन पहला हम क्या रखते हैं, हमेशा रो लिखते, तो रो क्या फर्स्ट रो का लिख रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में आपको बताते चलता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए जो पहला रहता है ना फर्स्ट, यहाँ पे सब में पहले फर्स्ट ही आता है। ओके, यहाँ पे क्या है, पहला हम क्या करेंगे, पहला पोजीशन का कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम यहाँ पे कॉलम थर्ड है। ओके, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, रो टू है, मतलब यहाँ पे सब में टू टू टू, एंड देन कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड एज इट इज़। ओके, यहाँ पे क्या है, रो थ्री है, तो रो थ्री का थ्री थ्री थ्री। अब यहाँ पे क्या, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, वन टू थ्री। ओके, तो आपने देखा कि हमने फटाक से इसको कैसे लिख लिया सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, जैसा करते हैं माइनर है तो माइनर फाइंड करते हैं। चलिए इनका माइनर, इनका ऑपोजिट हमें कैसे निकालना, पहले इसका निकालेंगे, इसका इसका। ओके, एंड देन क्या, यहाँ पे पहले लिखते हैं माइनर सिंपल, क्या लिखेंगे एम, एम कितना लिखेंगे, एम इलेवन का माइनर निकालेंगे सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पहले देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या कर रहे हैं हम, इसका माइनर निकाल ले फर्स्ट का, इसके अपोजिट में देखना है आपको। देखिए आप यहाँ पे इसको हाइड करके ऐसा देख सकते हैं, आपको क्या करना है, इनको हाइड करना है यहाँ पे ऐसे, एंड देन आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थ्री माइनस वन फाइव एंड ज़ीरो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पे थ्री बाय थ्री में सिर्फ अप्लाई होगा। ओके, टू बाय टू में हमें क्या डायरेक्ट जो सामने रहेगा वो लिख देना है, यहाँ पे थ्री बाय थ्री में अप्लाई होगा सिंपल। यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री यहाँ पे लिखते पहले हम क्या, थ्री यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे फाइव और यहाँ पे ज़ीरो। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनका। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री इंटू माइनस वन, देखिए आपको हमेशा क्या करना है, पहले इनका ही मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम पहला ये करें कि पहला ये करें। ओके, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। देखिए पहले इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, थ्री इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस थ्री हो जाएगा, एंड देन माइनस का साइन क्या, फाइव इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका आंसर कितना हमें मिल जाएगा, माइनस थ्री मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ट्वेल्व, वन टू ए ट्वेल्व। ओके, इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे दिया गया माइनस वन पे। ओके, यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ पे माइनस वन पे, तो क्या करना है, इसका रो एंड देन कॉलम, ए कौन से कॉलम में सेकेंड और कौन से रो में फर्स्ट रो में। ओके, एंड कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, इनको हमने क्या किया, हाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें अब क्या देख रहे हैं, माइनस टू फाइव
एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे भी ऐसे बॉक्स बना के उनमें जैसे हमने यहाँ पे इसको फिल किया था वैसे इनको भी फिल करेंगे। ओके, इन सो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम ट्वेल्व इक्वल्स टू यहाँ पे क्या ब्रैकेट हमारा। ओके, इनकी वैल्यू क्या है, माइनस टू, माइनस टू ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे फाइव माइनस वन। हमने क्या किया, इनका वैल्यू यहाँ पे सब पुट कर दिया। ओके, एंड देन यहाँ पे इक्वल क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले माइनस इसका करना है इनका, ये माइनस क्या होगा, प्लस टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू हो गया। ओके, एंड देन क्या करना है यहाँ पे, फाइव इंटू क्या करना है, टू करना है, तो कितना हो जाएगा, टेन, और यहाँ का माइनस तो कितना हो गया, माइनस टेन हो गया। ओके, यहाँ पे हम इनको भी ब्रैकेट में करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस टू होगा, टेन प्लस टू कितना, ट्वेल्व। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, माइनर ट्वेल्व, कितना मिल गया हमें, ट्वेल्व मिल गया। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या, ए थर्टीन निकालते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते ए थर्टीन, यहाँ पे सॉरी माइनर थर्टीन। ओके, माइनर थर्टीन का क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये इसका कॉलम एंड देन ये रो है, तो ओके यहाँ पे लेके आते सिंपल, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस टू थ्री ज़ीरो, यहाँ पे लिखते हैं हम माइनस टू थ्री ज़ीरो। ओके, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या, टू इंटू ज़ीरो, माइनस टू इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो, यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे थ्री इंटू माइनस टू करेंगे तो कितना होगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ माइनस सिक्स, यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे ज़ीरो के साथ भी माइनस होता है, ओके यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस सिक्स का यहाँ पे सिक्स। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया, देखते हैं यहाँ पे ए ट्वेंटी वन, ए ट्वेंटी वन क्या है, माइनस टू, माइनस टू यहाँ पे देखते हैं कॉलम, यहाँ पे रो कौन सा है, टू है, सेकेंड रो है। ओके, एंड देन क्या है, क्या कॉलम फर्स्ट है, पहले हम क्या करते हैं यहाँ नीचे लिख लेते, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं एम क्या ट्वेंटी वन, एम ट्वेंटी वन। ओके, यहाँ पे इनका ब्रैकेट बना लिया हमने, एंड देन इसे हम क्लोज करते, देखते क्या मिलता है हमें, क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर कितना है, माइनस वन, बाजू में कितना है, टू, नीचे कितना है, ज़ीरो एंड माइनस वन। ओके, यहाँ पे लिख देना है नीचे माइनस वन ज़ीरो टू एंड माइनस वन। ओके, चलिए सॉल्यूशन नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन, इनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, अभी इनका माइनस टू इंटू ज़ीरो करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस ज़ीरो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना आपको क्या है, ज़ीरो के साथ माइनस है पर वन के साथ क्या आगे प्लस है, तो यहाँ पे क्या प्लस वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ए ट्वेंटी टू, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, एम ट्वेंटी टू। ओके, तो एम ट्वेंटी टू में हमें क्या देखना है, यहाँ पे कॉलम रो टू एंड कॉलम टू, पर भाई रो टू कौन सा है, देखते रो टू है ये भाई, यहाँ पे कॉलम टू ए है। ओके, तो अभी क्या ऊपर दिख रहा है हमको, वन टू, और नीचे क्या दिख रहा है, माइनस टू एंड यर माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, यहाँ पे वन टू, ऊपर वन टू, नीचे क्या है, माइनस टू एंड माइनस वन। ओके, देखिए अगर आप यहाँ पे सही वैल्यू पुट करते और आगे प्रॉपर साइन के साथ आप आंसर लिखते तो ही आपका राइट होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक किए तो आपका जो आंसर है 100% रॉन्ग ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनके वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको कैसे पुट करनी है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले किससे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इनका। ओके,
वन इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा। क्या टू इंटू टू करेंगे कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा माइनस का साइन, ओके सिंपल। एंड देन यहाँ पे क्या देखिए, क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर करेंगे कितना हो जाएगा, हमें थ्री मिल जाएगा। ओके माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर क्या है, फोर है, क्या पास प्लस का साइन है, यहाँ पे छोटा नंबर माइनस वन है। ओके अब हम ए 23 देखते, यहाँ पे लिखते कितना, ए एम कितना है 20, सॉरी यहाँ पे लिखते एम, यहाँ पे नीचे हमें क्या, नीचे ज़्यादा पेज पे, तो हमें सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसी पेज में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो इजी रहेगा। ओके तो यहाँ पे कितना है हमें एम 23 करना है। ओके एम 22 हमने किया यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले ए कितना है, यहाँ पे ए 23 का 2 कितना है, रो, सेकेंड रो क्या, थर्ड कॉलम। ओके तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा माइनस वन, सॉरी यहाँ पे वन है, एंड देन माइनस वन, और नीचे क्या है, माइनस टू एंड जीरो। ओके यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम सिंपल, यहाँ पे इक्वल का साइन आपको सब में लगाते जाना है। ओके इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, वन माइनस वन एंड देन माइनस टू एंड देन जीरो। ओके यहाँ पे क्या करता है, वन से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ओके यहाँ पे क्या हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द रूल का साइन है। ओके यहाँ पे आप मैं सोचेगा कि यहाँ पे मैंने कैसे माइनस का साइन लिख दिया, एंड देन क्या माइनस माइनस प्लस होगा, टू वन जा टू, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू। ओके अब हमें क्या कर निकालना है, ए 31। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं एम 31। ओके इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे माइनस टू। क्या करना है इसका, हमें पहले हाइड करेंगे, क्या है, क्या हाइड करना है, एक है फर्स्ट रो 3 है, एंड देन क्या कॉलम फर्स्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर के ये है। ओके यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऊपर के उन दोनों को क्या दिया गया है, एलिमेंट्स क्या है, माइनस वन थ्री टू एंड फाइव। ओके एंड देन चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या माइनस वन का फाइव के साथ करेंगे तो माइनस फाइव हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री इंटू टू करेंगे सिक्स, यहाँ पे माइनस का साइन रूल का, एंड देन यहाँ पे सिक्स हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप क्या माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे सिक्स प्लस इलेवन फाइव कितना हो जाएगा, सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस इलेवन। ओके यहाँ पे क्या बड़ा नंबर सिक्स, उसके बाद माइनस का साइन है, सिंपल। एंड देन 32 फाइंड करते हैं हम। ओके यहाँ पे लिखते हैं एम 32। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, थ्री है, थ्री क्या है हमारा रो, टू क्या है कॉलम, कॉलम, और यहाँ पे ये रो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, वन माइनस टू टू एंड फाइव। चलिए लिखते हैं यहाँ पे वन माइनस टू एंड देन टू एंड यर फाइव। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन इंटू फाइव कितना हो जाएगा फाइव, एंड देन यहाँ का रूल माइनस साइन क्या है, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या माइनस फोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपको देखना ध्यान से, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, फाइव प्लस फोर कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। ओके एंड देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते ए 33। ए 33 हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, क्या थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, वन माइनस टू माइनस वन एंड थ्री मिल रहा है हमें। ओके चलिए इनको पुट करते हैं, यहाँ पे हम ब्लू पेन से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एम 33 और यहाँ पे ये। ओके एंड देन इनकी वैल्यू क्या थी हमें मिली, यहाँ पे इन्हें हमने ऐड कर लिया था,
क्या 1 - 2 एंड - 1 एंड 3 1 - 2 - 1 3 मल्टीप्लाई करते हैं 1 * 3 3 हो जाएगा, -1 * -2 करेंगे तो क्या इनका वैल्यू जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या रूल का साइन, यहाँ पे 2 * 1 2 हो जाएगा। ओके यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, सिंपल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले अभी माइनर फाइंड कर लिया एंड देन क्या करना है, को फैक्टर। देखिए यहाँ पे लेंथी इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे क्या हमें दिया 3/3 का। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर जल्दी जल्दी हम करते तो यहाँ पे और भी जल्दी हो जाता। ओके अब क्या करते हैं हम, देखिए माइनर हो गया एंड क्या करना है, को फैक्टर फाइंड करना है। ओके यहाँ पे ये दोनों स्टेप आपको याद रखने हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे को फैक्टर फाइंड करता हूँ, नहीं तो जाने दी यहीं पे कर लेते हैं। ओके थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, हम यहीं पे हम कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए हमें इजी होगा, बट आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज पे करना है, सिंपल। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले लिखते हैं को फैक्टर। देखिए मैं यहाँ पे को फैक्टर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए ए आई जे इक्वल टू -1 i + j इंटू कसाइन एम आई जे। ओके अब चलिए यहाँ पे क्या एम इलेवन का क्या करेंगे हम, ए इलेवन यहाँ पे क्या हम ए इलेवन को फैक्टर क्या करेंगे यहाँ पे निकालते हैं क्या -1 i + j। अब यहाँ पे -1 लिखते 1 + 1 कितना एंड देन एम आई जे, मतलब क्या माइनर क्या है इसका, हमें मिला था यहाँ पे -3 तो यहाँ पे क्या लिखते हैं -3। ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 1 + 1 देखिए क्या होगा इवन, मतलब क्या 2 हो रहा है तो क्या है इवन है। ओके यहाँ पे क्या करना है, इवन रहेगा तो क्या होगा जो माइनर रहेगा उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो क्या होगा एज इट इज लिखा आएगा। ओके आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर हम करेंगे यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 तो हमें यहाँ पे A11 क्या मिला -3 मिला। ओके यहाँ पे हमने लिख लिया एंड देन क्या करेंगे यहाँ पे M12 तो क्या हम करेंगे फाइंड A12 करेंगे। ओके तो A12 यहाँ पे A12 यहाँ पर आपको फॉर्मूला एज इट इज लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं बस समझाना चाहता हूँ। ओके बाकी का सॉल्व करने का स्टेप तो आपको पता ही है, हमने पीछे देखा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A12 का क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 12 दिया गया, पहले क्या होगा यहाँ पे हम क्या 1 + 2 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। ओके 3 क्या है क्यूब, मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या होगा इसका साइन चेंज होगा, अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ओके तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस करते हैं, यहाँ पे इसका -12 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा यहाँ पे 1 + 3 यहाँ पे आई जे। ओके ओके 3 एंड देन यहाँ पे देखते M13 का A13 करते हैं यहाँ पे A13 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 3 तो कितना होता है 4 क्या इवन, इवन नंबर आ रहे तो क्या होगा साइन में चेंजेस नहीं होंगे। ओके तो यहाँ पे कितना है 6 तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा एंड देन क्या है यहाँ पे M21 तो M21 का क्या करेंगे A21 करेंगे यहाँ पे को फैक्टर एंड देन 21 है क्या M21 क्या है 3 मतलब क्यूब हो रहा है। ओके क्यूब में क्या होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा तो क्या 1 है तो क्या होगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके एंड देन क्या है यहाँ पे M22 का A22 करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 है कितना 4 है और 4 क्या होता है इवन नंबर होता है, इवन नंबर में क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या है 3 दिया गया इसका वैल्यू M22 का माइनर 22 कितना है 3 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका साइन चेंज नहीं होगा। ओके एंड देन क्या है M23 है देखते M23 मतलब 23 मतलब क्या इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। ओके 5 तो 5 क्या होता है ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर में क्या होता है साइन चेंज होता है। ओके तो यहाँ पे क्या M23 का वैल्यू कितना है -2 है तो -2 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके तो -2 का प्लस हो जाएगा कितना मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट M31 का क्या, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया MA लिख दिया। ओके तो यहाँ पे A लिख देते हैं M के जगह
यहाँ पे क्या एम 31 का क्या करेंगे, ए 31, ओके 31 कितना है, 31 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, जितना ये माइनर है यहाँ पे उतना ही लिखेंगे, ओके। एंड देन क्या एम 32, एम 32 मतलब ए 32 यहाँ पे को फैक्टर के लिए, एंड देन यहाँ पे 9 है तो क्या है 3 + 2 करेंगे कितना होता है 5, 5 में क्या होगा, साइन चेंज होगा क्योंकि 5 ऑड नंबर है, ओके। तो यहाँ पे क्या है 9 है तो क्या होगा, माइनस 9 हो जाएगा, ओके पे माइनस 9 हो जाएगा, सिंपल। एंड क्या यहाँ पे लास्ट में ए एम 33 मतलब माइनस माइनर 33 का क्या कोफैक्टर 33 करेंगे यहाँ पे, ए 33 3 कितना होता है 6 का इवन नंबर। इवन नंबर में क्या है, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे कितना है 1 है तो क्या 1 का एज इट इज़ 1, ओके सिंपल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले इसका माइनर निकाला एंड देन क्या किया कोफैक्टर, ओके। तो यहाँ पे आपको कैसे पोजीशंस डिनोट करनी है आपको वो ध्यान में रखना है तो ही आप इस सम को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब क्या हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर का, देखो मैं आपको मैट्रिक्स बता रहा था वो हमको फाइंड करना है, ओके। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया है तो इसका क्या करते हैं, हम फाइंड यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। पहले हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या हमारे रहेंगे, मैंने बताया था आपको यहाँ पे पहले माइनर फाइंड करना रहेगा एंड देन यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करना रहेगा, ओके। एंड देन उसी कोफैक्टर का क्या करना रहेगा आपको, मैट्रिक्स, ओके मैट्रिक्स करना रहेगा उसी कोफैक्टर का। तो आपको यहाँ पे पता है कि माइनर कैसे फाइंड करते एंड देन क्या करते को फैक्टर भी कैसे फाइंड करते, और उसके बाद उसको बस क्या करना है, एक मैट्रिक्स की तरह जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी उनकी पोजीशंस के हिसाब से हमें वहाँ पे उनको एक मैट्रिक्स बॉक्स में एलिमेंट के जरिए पुट करना है, ओके। ओनली हमें क्या करना है वहाँ पे पुट करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहले हम करेंगे इसके पोजीशंस पहले हम क्या करते हैं डिनोट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे 2 by 2 का है, यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे आपको पहले पोजीशंस लिखने हैं, ओके, जिससे आपको इजी रहेगा। यहाँ पे क्या 1 1 1 2 एंड देन 2 1 हियर 2 2, ओके। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहला माइनर, क्या माइनर क्या करेंगे, माइनर 11, माइनर 11 कितना हो जाएगा, देखिए क्या माइनर 11 पहले हम क्या करेंगे इसको हाइड करेंगे, कितना है कॉलम फर्स्ट एंड रो फर्स्ट, वे कॉलम फर्स्ट एंड रो फर्स्ट, तो हाइड किया हमें यहाँ पे कितना ला है -1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1। एंड देन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं जगह हमारे पास, क्या करते हैं यहाँ पे ए 12 का एम 12 लिखेंगे एंड देन हाइड करते हैं यहाँ पे क्या रो फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, तो यहाँ पे कितना है 4, ओके। तो यहाँ पे 4 आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करने के टाइम आपको ऐसा पेन रख के नहीं देखना है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है उसका अपोजिट देखना है, क्या करना है इसका अपोजिट देख लिया हमने, इसका अपोजिट देख लिया एंड देन क्या करेंगे एम 21 का माइनर, अपोजिट क्या करेंगे एम 21 का ए 21 के पोजिशन पे, ए 21 यहाँ पे इसका पोजिशन है, इसका अपोजिट कितना है 3, यहाँ पे लिख दिया 3 एंड देन क्या है यहाँ पे नीचे एम 22 M22 पोजीशन ही रहा, इसका अपोजिट क्या है 1, यहाँ पे 1, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया माइनर लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे आपको नीचे लिखना, ओके। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सामने सामने इजी पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कोफैक्टर, सिंपल कोफैक्टर में हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या किया था फॉर्मूला लिखेंगे, पहले क्या इसका फॉर्मूला होता है लिख लेते ए प्लस ए आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एंड देन क्या इंटू माइनर का आई जे, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पहले ए कौन सा आई जे मतलब इसका पहला वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फिर से कर रहे हैं फिर भी, ओके। जिनको नहीं समझा जाएगा वो समझेंगे,
यहाँ पे क्या आई प्लस जे करेंगे यहाँ पे, इसके बाद माइनस वन। यहाँ पे देखिए वन प्लस वन होगा इसका आई जे यहाँ पे, एंड क्या माइनर कौन सा है एलेवन। ओके एम इसका वैल्यू हमने पुट किया इलेवन का, यहाँ पे कितना है माइनस वन हो गया, सॉरी यहाँ पे इलेवन नहीं माइनस वन लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे हम हर बार करते, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे देखना आपको, इवन है कि और वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना होता है टू होता है, टू क्या एक इवन नंबर है। इवन नंबर में मैंने क्या बताया था यहाँ पे जो साइन रहेगा वो चेंज नहीं होगा। ओके तो उसको एज इट इज़, अगर ऑड रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया फोर, मतलब क्या ए ट्वेल्व क्या क्या दिया गया हमें यहाँ पे, अब फोर दिया गया। ओके तो यहाँ पे देखते फोर को क्या करेंगे, यहाँ पे वन प्लस टू, यहाँ पे इसका है वन प्लस टू एंड देन ईयर फोर। ओके वन प्लस टू कितना होता है थ्री होता है, थ्री का क्या होगा ये इवन है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या होता है साइन चेंज होता है, तो ये फोर है तो फोर का क्या हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा। ओके माइनस एंड ईयर फोर एंड देन यहाँ पे देखते ए ट्वेंटी वन का को फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे क्या ए ट्वेंटी वन एम ट्वेंटी वन का क्या यहाँ पे थ्री है। देखिए यहाँ पे माइनस वन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे टू प्लस वन। ओके टू प्लस वन, टू प्लस वन कितना होता है थ्री, थ्री है तो क्या होगा जो साइन है। ओके यहाँ पे क्या प्लस है थ्री है तो क्या साइन चेंज होगा जैसे ऊपर हुआ, एंड देन क्या होगा यहाँ पे थ्री का माइनस थ्री हो जाएगा। एंड देन ए ट्वेंटी टू क्या टू टू कितना होता है फोर होता है, फोर में क्या होता है साइन चेंज होता है क्या, नहीं होता, फोर क्या इवन नंबर है। ओके तो यहाँ पे वन है तो क्या वन का वन एज इट इज़। ओके तो हमने क्या किया यहाँ पे को फैक्टर फाइंड कर लिया, हमारा को फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे क्या दिया गया, पहला हमने फाइंड किया वन माइनस वन, यहाँ पे क्या माइनस फोर माइनस थ्री एंड माइनस टू। एंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारा मेन मैट्रिक्स को फैक्टर। ओके तो मैट्रिक्स को फैक्टर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। ओके आपको ऐसे ही नीचे नीचे लिखना है, मैं आपको यहाँ पे एक ही जगह बता रहा हूँ कि आपको एक ही साथ इजीली समझ सके। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें वैल्यू माइनस वन है इलेवन, मतलब क्या यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे ओके तो यहाँ पे क्या माइनस वन का पोजिशन को जगह पर लिखेंगे। एंड देन क्या ए ट्वेल्व, ए ट्वेल्व कितना है माइनस फोर है माइनस फोर। एंड देन ए ट्वेंटी वन कितना है माइनस थ्री। ओके एंड देन ए ट्वेंटी टू यहाँ पे। इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ जो हमने बेस में अभी देखा था। इसके बाद हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स ही बोला था फाइंड करने के लिए, इसलिए हमने उतना ही किया। ओके और जो यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। ओके तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया उसका यहाँ पे टू बाय टू का है, आपको समझ जाएगा स्टेप वाइज, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का टू दिया गया थ्री बाय थ्री का है, तो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री बाय थ्री करेंगे तो यहाँ पे उसका ए वाला स्टेप जो है को फैक्टर फाइंड करने का उसमें ओ भी आएगा। ओके तो ओ भी साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं आपको वो बताऊँगा थ्री बाय थ्री का कैसे करते तो आपको उसमें ए भी समझ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री का, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें, क्वेश्चन नंबर थ्री का वहाँ पे आप उसे क्वेश्चन नंबर थ्री का टू देखने के बाद आप कर सकेंगे। ओके दैट इज इजी सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड। नंबर थ्री देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। हमें क्या करना है यहाँ पे एडजॉइंट, तो पूछोगे सर एडजॉइंट कौन से स्टेप में आता है, तो यहाँ पे देखिए हम पहला क्या करते हैं माइनर हम करते हैं। ओके एंड देन क्या करते हैं हम कोफैक्टर निकालते हैं, अभी हमने क्या निकाला था कोफैक्टर मैट्राइसिस। ओके उसका नेक्स्ट स्टेप है। ओके एंड देन क्या करते हैं हम एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है इसी मैट्राइसिस का ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मतलब क्या, यहाँ पे जो रेडियस में नंबर्स लिख रहे थे फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके तो हम इसको ही क्या करते ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज मतलब ये क्या है वर्टिकल में इसका हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे फोर फाइव
ये ऐसा हो गया 4 5, ये 6 7 ऐसा। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन मेन बता दिया है। ओके तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे ही सॉल्व करना है फर्स्ट वाला, और उसमें पहले क्या फाइंड करना है, माइनर एंड देन को फैक्टर, उसके बाद को फैक्टर मैट्राइस मैट्रिक्स इसका, एंड देन क्या करना है आपको, वो जो आंसर आया रहेगा ये मैट्रिक्स में उसको ट्रांसपोज कर देना। ओके आपको यहाँ पे क्या, जो रो में उसको कॉलम में कर देना, जो कॉलम में उसको रो में कर देना। ओके आपको यहाँ पे इसे फर्स्ट वाला ऐसा करना है। ओके तो यहाँ पे 3 बाय 3 क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे मैंने इसे मैट्रिक्स नाम दिया ए। ओके तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने वाले 3 बाय 3 का, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसका भी सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपको वाला क्वेश्चन कैसे करना। ओके 3 बाय 3 का देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है 3 बाय 3 का। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनर फाइंड करेंगे, देन को फैक्टर, ओके देन को मैट्रिसेस का, को फैक्टर का एडजॉइंट का ट्रांसपोर्ट कर देंगे, सिंपल। चलिए यहाँ पे पहले इसका क्या करते हैं, हम पोजीशंस क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका मैं माइनर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या ए ए लिख लेते पहले हम सब जगह। ओके इससे हमें क्या होगा, इजी ये हो जाएगा। एंड देन क्या करेंगे, इनकी जो पोजीशंस है वो लिख लेते, तो इनकी पोजीशंस फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 1 1 2 एंड देन 1 3, और यहाँ पे सेकेंड रो 2 1 2 2 एंड देन 2 3, और यहाँ पे 3 1 3 2 एंड यहाँ 3 3। ओके यहाँ पे आपको समझना चाहिए हमने कैसे लिखा। ओके एंड देन यहाँ पे क्या करना है, माइनर, यहाँ पे क्या माइनर माइनर निकालना है। तो माइनर हम पहले ऐसे निकालेंगे, तो आपने कैसे माइनर निकालना है आपको पता ही है। तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे इसका निकाल लें, तो क्या M11, ओके उसकी पोजीशन वाइज। एंड देन उसके बाद क्या, यहाँ पे इसको हाइड करेंगे, क्या है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 3 5 -1, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। ओके यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 एंड -1। ओके हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड देन इसको ही पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसको ही हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको एंड अकॉर्डिंग टू द रूल मल्टीप्लाई एंड माइनस करना है हमेशा। ओके पहले मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस साइन, एंड देन 5 इंटू 0 क्या होगा, 0। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा। ओके इसके बाद यहाँ पे A12 फाइंड करते, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इसको हाइड करेंगे, क्या है क्या रो फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, यहाँ पे क्या है देखिए आप, -2 -1 क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -1 करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके 2 एंड देन इसके बाद क्या, यहाँ पे 5 इंटू -2 करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस लिख लेते हैं, और यहाँ पे 5 इंटू -2 करेंगे -10। ओके यहाँ पे हमें कितना मिल गया, -10 मिल गया। इसके बाद क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 10 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ओके एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम A13 निकालते, क्या होगा यहाँ पे M13 का माइनर, यहाँ पे क्या फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके यहाँ पे देखते हैं हम क्या, -2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, एंड देन यहाँ पे 0, एंड देन क्या है 3 इंटू -6, सॉरी 3 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस हमने एक ऐसे ही सॉल्व किया था, और एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +6 हो जाएगा यहाँ पे। ओके एंड देन क्या, यहाँ पे देखते हैं M21, M21 में क्या होगा, यहाँ पे जी देखते हैं हम क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके यहाँ पे कुछ ये ऐसा हाइड होगा, तो
तो यहाँ पे आपको जो बचा हुआ दिख रहा है माइनस वन टू एंड नीचे यहाँ पे जीरो एंड माइनस वन, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे तो क्या हमें वन मिलेगा, एंड देन इसके बाद क्या होगा जीरो इंटू टू करेंगे तो कितना मिलेगा जीरो ही मिलेगा। ओके यहाँ पे माइनस जीरो तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा वन मिल जाएगा, सिंपल। एंड देन इसके बाद क्या 21 के बाद यहाँ पे 22 यहाँ पे दिया गया है। ओके एम 22 यहाँ पे क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो ये एंड देन सेकेंड कॉलम। ओके यहाँ पे क्या वन एंड माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल माइनस का साइन एंड देन यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे टू कितना हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे क्या प्लस फोर कितना हो जाएगा थ्री। ओके यहाँ पे हमें कितना मिल गया थ्री मिल गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते एम 23 तो एम 23 में क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिया गया। ओके सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे क्या वन इंटू जीरो करेंगे कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ओके एंड देन माइनस का साइन यहाँ पे डाल लेते पहले माइनस टू और यहाँ पे माइनस वन माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा क्या टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा माइनस टू मिल जाएगा। ओके अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे हमें 8 31 फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे हम एम 31 इक्वल्स टू ओके क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो पे क्या माइनस वन इंटू फाइव करेंगे कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा माइनस फाइव देन थ्री इंटू टू करेंगे सिक्स हो जाएगा। ओके तो फिर माइनस फाइव और यहाँ पे माइनस सिक्स इसको करेंगे तो माइनस इलेवन हो जाएगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे एम 32 ओके एम 32 देखते हैं यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या क्या है वन इंटू फाइव करेंगे फाइव हो जाएगा माइनस टू इंटू टू करेंगे माइनस फोर हो जाएगा। ओके तो फाइव यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस फोर ओके यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन यहाँ पे प्लस फोर हो जाएगा और यहाँ पे फाइव तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा नाइन मिल जाएगा। ओके इसके बाद क्या है हमारा ए 33 तो यहाँ पे हम देखते हैं ए 33 क्या करना है यहाँ पे ए यहाँ पे एम 33 लिखेंगे नीचे। ओके नीचे यहाँ पे एम 33 लिखेंगे एंड देन यहाँ पे इसे हाइड करते क्या रो थर्ड एंड कॉलम थर्ड वन इंटू थ्री करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा हमारा यहाँ पे थ्री हो जाएगा यहाँ पे माइनस था एंड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड देन क्या यहाँ पे माइनस टू एंड माइनस वन करेंगे तो कितना मिल जाएगा टू मिल जाएगा। ओके माइनस माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा वन ओके कितना हो जाएगा यहाँ पे वन हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनर फाइंड कर लिया, चलिए जो हमारा मेन माइनर उसे हम बॉक्स में कर लेते कि इससे हमें और भी इजी हो इसे देखने में। ओके एंड देन यहाँ पे इसे भी हम बॉक्स में कर लेते हैं फटाफट जिससे हमें आइडेंटिटी में इजी हो हमारा मेन माइनर कौन सा क्या हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे को फैक्टर आपको पता है हम कैसे फाइंड करने वाले, चलिए यहाँ लिखते हैं को फैक्टर। ओके यहाँ पे क्या है कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या ए आई जे इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके एंड देन इसके बाद क्या हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट के इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला बताया था ऑड इवन का वो आपको याद रखना है, इससे यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए को फैक्टर का ए 11 पहले निकालते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए 11 क्या होगा यहाँ पे ए 11 इक्वल्स टू 1 1 क्या है प्लस मतलब 2 ओके 1 1 को प्लस करेंगे आई जे में
क्या होगा, टू हो जाएगा। अगर इवन में मैंने क्या बताया था रूल, जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ओके। जो नंबर है एज इट इज़ माइनर के साथ का वैसे ही कोफैक्टर में भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या माइनस थ्री, तो यहाँ पे भी माइनस थ्री हो जाएगा, ओके। एंड देन क्या है यहाँ पे देखिए, एम ट्वेल्व का कितना है लिखते हैं पहले, यहाँ पे ए ट्वेल्व लिखते हैं, यहाँ पे क्या है ट्वेल्व है, ओके। तो इसका क्या होगा, वन टू है। अगर वन टू को हम क्या करते हैं, ऐडअप करते हैं, वन टू को ऐडअप करते तो कितना होगा, थ्री हो जाएगा। थ्री क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, साइन में चेंजेस उसके होगा माइनर के, ओके। यहाँ पे क्या है ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या है हो जाएगा, ए थर्टीन, यहाँ पे ए थर्टीन निकालते हैं, यहाँ पे देखिए सिक्स दिया गया, तो यहाँ पे क्या वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री कितना होता है, फोर होता है। अगर यहाँ पे फोर दिया गया, फोर क्या है इवन नंबर, इवन नंबर में क्या होता है साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ लिखा था, ओके। तो यहाँ पे क्या है सिक्स है, तो सिक्स हो जाएगा हमारा एज इट इज़, ओके। एंड देन देखिए यहाँ पे क्या है एम ट्वेंटी टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, सॉरी यहाँ पे क्या हमने ट्वेंटी वन नहीं देखा, तो ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन क्या हमारा यहाँ पे वन है, तो टू प्लस वन कितना होता है थ्री होता है, थ्री है तो यहाँ पे क्या होगा साइन में चेंजेस होगा क्योंकि सी ऑड है, ओके। तो यहाँ पे क्या वन है तो हो सकता है यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, ओके। एंड देन क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए ए ट्वेंटी टू लिखेंगे, ए ट्वेंटी टू क्या यहाँ पे थ्री है, टू टू कितना होता है फोर, यहाँ पे क्या होता है टू टू फोर होता है, टू टू फोर होता है मतलब यहाँ पे जो फोर क्या है ऑड है, और यहाँ पे इसके नंबर में माइनर के नंबर में चेंजेस नहीं होगा, ओके। यहाँ पे क्या ए ट्वेंटी टू कितना है यहाँ पे देखते थ्री थ्री, ओके। एंड देन क्या है यहाँ पे ए ट्वेंटी थ्री, ए ट्वेंटी टू हो गया ए ट्वेंटी थ्री, चलिए ए ट्वेंटी थ्री कितना है टू प्लस थ्री फाइव होता है, फाइव क्या है ऑड नंबर है, यहाँ पे इसका साइन माइनस टू तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, साइन हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे देखते ए थर्टी वन, ए थर्टी वन थ्री प्लस वन कितना फोर, तो क्या जो ये नंबर रहेगा वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस इलेवन। एंड देन देखिए उसके बाद यहाँ पे ए थर्टी टू, ए थर्टी टू में क्या यहाँ पे थ्री प्लस टू करेंगे कितना होगा फाइव होगा, फाइव में क्या होगा ऑड है फाइव, तो इसका जो नंबर है चेंज होगा, ओके। तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस में तो क्या यहाँ पे माइनस नाइन हो जाएगा, ओके। एंड देन क्या यहाँ पे ए थर्टी थ्री, ए थर्टी थ्री कितना हमारा यहाँ पे वन है, थ्री थ्री कितना होता है सिक्स, सिक्स क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या है जो वन है वो एज इट इज लिखा आएगा, ओके। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कोफैक्टर फाइंड कर दिया, ओके। कोफैक्टर का मैट्रिक्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर टू था उसमें क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन टू को भी यही करना था, चलिए हम यहाँ पे सेम है बस यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर चेंज चेंज है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। चलिए इसका क्या करते हैं मैट्रिक्स कर लेते हैं, तो इसका मैट्रिक्स कैसे करेंगे इसके पोजीशन वाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले क्या करेंगे थ्री बाय थ्री का एक बॉक्स बनाएंगे, ओके। एंड देन यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है माइनस थ्री, यहाँ पे क्या है माइनस ट्वेल्व, यहाँ पे क्या है सिक्स, एंड देन यहाँ पे क्या है माइनस वन है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या है थ्री है, यहाँ पे क्या है टू माइनस इलेवन माइनस नाइन एंड देन वन है, ओके। यहाँ पे क्या कर दिया हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स कर लिया, तो हमारा यहाँ पे जो ऊपर का स्टेप्स थे क्या था, हमारा पहला माइनर फाइंड करना था कोफैक्टर एंड देन मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है हमें एडजॉइंट फाइंड करना, ओके। हमारा जो क्वेश्चन मेन है वो हमें बोला जा रहा है कि एडजॉइंट फाइंड कीजिए अब आप, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम एडजॉइंट, देखिए
आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, बट यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ एडजॉइंट का, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ए आई जी, मैंने आपको बताया है फिर भी हम देख ले रहे हैं। ओके यहाँ पे ट्रांसपोज ए आई जे मतलब क्या है, ए आई जे ये हमें यहाँ पे फाइंड हुआ, मतलब ये सब है। ओके तो इसका क्या करना है हमको, ट्रांसपोज मैंने ऊपर आपको 2x2 का बताया था, अब यहाँ पे हम 3x3 का देख रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे पहले 3x3 का बॉक्स बनाना है, ब्रैकेट बनाना है, एंड देन क्या करना है इसको जो ये क्या है रो में, इसको क्या करना है कॉलम में कर देना है। ओके यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे -12, एंड देन यहाँ पे 6। तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको ऐसा ही किया था हॉरिजॉन्टल, इसको हमने वर्टिकल सीधा कर दिया। तो यहाँ पे ए पहला रो का हमने ट्रांसपोज किया है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे -1, 3, एंड देन 2, यहाँ पे -11, यहाँ पे -9, एंड यहाँ पे 1। ओके तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, हमने क्या किया वर्टिकल था इसको हॉरिजॉन्टल, मतलब रो में था इसको कॉलम में कर दिया। ओके तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, आपको इसका सब क्वेश्चन 1 करना है, हमने यहाँ पे सब क्वेश्चन 2 देखा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया इफ़ ए, मतलब क्या यहाँ पे ए क्या दिया गया, मैट्रिक्स दिया गया, देन वेरीफाई दैट, हमें क्या इसमें वेरीफिकेशन करने है, ए क्या करना है ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे, मतलब ए का जब हम इसका एडजॉइंट निकाले रहेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यहाँ पे वही एडजॉइंट ए से इंटू मल्टीप्लाई करना है हमें, एंड देन वो भी इक्वल रहना चाहिए डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी। ओके मतलब क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए ए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2। ओके मैं यहाँ पे आपको सिंपल पहले क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ कि ए दोनों तो हम प्रूफ कर सकते हैं सेम है, यहाँ पे दोनों इक्वल है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट के ज़रिए बता देता हूँ, पहले ही आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ 3। ओके तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं हमें कितना मिलेगा 6, ये तो आपको पता ही है। 2 को 3 से करो या 3 से 2 को करो कितने मिलने वाला है 6। ओके तो यहाँ पे भी हमें कुछ वैसा ही समझना है, यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे भी ए है, मतलब यहाँ पे क्या 2 है, और यहाँ पे एडजॉइंट है, यहाँ पे भी एडजॉइंट है दोनों में सेम, तो यहाँ पे भी क्या है 3, तो यहाँ पे भी इसका आंसर सेम आने वाला है। मतलब क्या यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे तो हमको देखते पता चल जाता है, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो इन सब के बराबर होगा, वो भी हम देखेंगे। ओके तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। ओके एडजॉइंट ए को स्टेप्स क्या है फाइंड करने के, देखिए माइनर, देन कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर का मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट के लिए उसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज। ओके एंड देन हमें ये एडजॉइंट ए मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ए ए और वो एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके एंड देन यहाँ पे ये डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं माइनर, माइनर किसका, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट इसका पोजीशन जो है कर लेते हैं लेते। ओके तो यहाँ पे क्या हमें दिया गया पहला माइनर, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पहले हम जो सारे माइनर से उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे M11 M12 एंड M13, ये 3x3 का, एंड देन M21 M22 M23 एंड यहाँ पे नीचे M31 M32 M-33। ओके लास्ट तो यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल का भी साइन लगा लेते हैं फटाफट यहाँ पे, एंड देन क्या करना है यहाँ पे आपको 3x3 में हमें माइनर कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है, हमने यहाँ पे 2 सम क्या प्रैक्टिकल में किए। ओके तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इनको फर्स्ट का क्या M11 यहाँ पे ये है तो इसको हम हाइड करेंगे यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे -2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 × 3 करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 × 0 भी किससे माइनस होता है तो 0, यहाँ पे -2 तो भी 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम यहाँ पे रेड पेन से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 0 -0
कितना हो गया हमें, मिल गया M11 0 मिल गया। ओके उसके बाद M12 यहाँ पे क्या फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड कॉलम, यहाँ पे क्या 3 × 3 9 माइनस एंड देन 1 × -2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके यहाँ पे माइनस आया वापस, इसलिए हम ब्रैकेट में कर लेते हैं यहाँ पे इसे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 + 2 कितना होगा 11 हो जाएगा। ओके एंड देन क्या M13 क्या यहाँ पे कॉलम फर्स्ट एंड रो फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड। ओके 3 × 0 1 × 0 क्या हो जाएगा 0 0। ओके 0 − 0 = 0 हो जाएगा। M21 देखते हैं यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे और ये सेकेंड रो, देखिए आप एम पे यहाँ पे ऊपर -1 और नीचे यहाँ पे 3 -1 3 करेंगे -3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड देन यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2 का -0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। ओके एंड देन इसके बाद क्या है यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे इसका यहाँ पे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम क्या 1 × 3 एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 × 1 कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 1। ओके एंड देन इसके बाद 23 देखते हैं हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे 1 × 0 करेंगे तो 0, यहाँ पे माइनस एज द रूल यहाँ पे 1 × -1 करेंगे। ओके तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या देखना माइनस माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 में मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे वापस से हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। इसके बाद क्या है यहाँ पे M31 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके यहाँ पे क्या है देखिए आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमें ऊपर क्या दिख रहा है -1 2 एंड 0 यहाँ पे क्या 1 - 1 एंड यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें माइनस माइनस हर्ज के यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। ओके एंड देन यहाँ पे क्या 0 × 2 करेंगे तो -0, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ओके एंड देन यहाँ पे क्या थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ओके ये क्या 1 × -2 करेंगे तो -2 आएगा यहाँ पे एज द रूल माइनस। यहाँ पे क्या 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस माइनस तो क्या 6 + 2 8 हो जाएगा। ओके माइनस का साइन एंड यहाँ पे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है यहाँ पे 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 0 एंड देन 3 × -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल 3 लिखा एंड यहाँ पे -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो +3 लिखाएगा। ओके तो हम यहाँ पे जो मेन आंसर मिले उससे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे। ओके इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद हमें करना है को फैक्टर। तो लिखते हैं यहाँ पे को फैक्टर। ओके तो को फैक्टर कैसे फाइंड करना हमें पता है, तो यहाँ पे मैं वापस आपके लिए एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ aij = -1i + j यहाँ पे mij। ओके तो यहाँ पर आपको पता है इवन और ऑड का क्या रोल मैंने आपको बताया था। ओके ट्रिक हमारी देखिए यहाँ पे a11 पहले निकालते हैं हम a11। ओके तो पहले हम क्या करते हैं सारी जो है लिख लेते हैं, इससे हमें और इजी पड़ेगा। a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33। ओके इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे देखना है, देखिए m11 एंड a11 क्या है 1 + 1
वन प्लस वन, ओके। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू रूल, अगर इवन है तो इवन में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो में कौन सा भी साइन रहे वो तो जीरो ही रहता है, ओके। जीरो डज नॉट हैव माइनस साइन, नेवर इट नेगेटिव, आपको याद रखना जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे जीरो का जीरो, यहाँ पे क्या वन प्लस टू, वन प्लस टू कितना था थ्री, थ्री का इवन नंबर है, ओके। तो साइन चेंज होगा, इवन सॉरी ऑड है तो ऑड है तो साइन चेंज होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या इलेवन का क्या हो जाएगा, माइनस इलेवन हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो तो जीरो ही रहेगा, ओके। यहाँ पे कुछ नियम कर सकते, एंड देन यहाँ पे क्या है टू प्लस वन, टू प्लस वन कितना होता है थ्री, थ्री का इवन नंबर है, तो क्या साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, सॉरी ऑड है तो होगा ना, ऑड है तो साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस में माइनस में, यहाँ पे किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या टू प्लस टू फोर, अब फोर है, फोर क्या इवन नंबर है, इवन में साइन चेंज नहीं होता, तो एज इट इज़ फिर टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ओके। तो फाइव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन चेंज होगा, फाइव क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या होता है साइन हमेशा चेंज होता है, ओके। तो यहाँ पे वन तो माइनस वन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा फोर हो जाएगा, फोर का इवन नंबर है, इवन में साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनर को हम यहाँ पे एज इट इज़ को फैक्टर में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए थर्टी टू दिया गया, ए थर्टी टू कितना होता है यहाँ पे देखिए में दिया गया है, माइनर का थर्टी टू माइनस एट दिया गया, यहाँ पे थ्री प्लस टू करेंगे तो कितना फाइव, फाइव का ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या होता है हमेशा साइन चेंज होता है, ओके। तो यहाँ पे माइनस एट का कितना हो जाएगा हमें मिल जाएगा एट मिल जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट देखिए हमें यहाँ पे को फैक्टर निकालने का, ए थर्टी थ्री, ए थर्टी थ्री क्या थ्री, थ्री क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, सिक्स क्या है इवन नंबर है, ओके, जो कि टू के टेबल में आता है, टू से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए थ्री का थ्री रहेगा, ओके, क्योंकि इवन है तो माइनर यहाँ पे एज इट इज़ लिखा जाएगा, एम थर्टी थ्री यहाँ पे ए थर्टी थ्री में सेम होगा, ओके। तो इसके बाद हमने क्या क्या है यहाँ पे को फैक्टर निकाल लिया, अब इसी को फैक्टर का क्या करेंगे माइनर करेंगे, मैं यहाँ पे माइनर भी आपको यहीं पे कर देता हूँ, ओके, जिससे आपको यहाँ पे और ही इजी रहेगा समझने में, सिंपल। यहाँ पे लिखते हैं को फैक्टर, सॉरी को फैक्टर का मैट्रिक्स का मैं क्या करना है मैट्रिक्स करना है, ओके। चलिए इसका मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मैं हमने किया था वापस से करते एक बार। यहाँ पे क्या पहले हम थ्री बाय थ्री का बॉक्स बना लेते जिसमें हमें नाइन एलिमेंट्स लिखने, यहाँ पे क्या होगा ज़ीरो माइनस एलेवन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे एट, यहाँ पे थ्री, ओके ओके। तो हमने यहाँ पे माइनर फाइंड कर लिया, को फैक्टर फाइंड कर लिया, को फैक्टर का यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स भी हमने फाइंड कर लिया, ओके। एंड देन इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे देखिए, एडजॉइंट हमने अभी किया था, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है हम वापस से देख लेते, ए आई जे क्या क्या करना है ट्रांसपोज। अब ए आई जे क्या है, ये हमारे जो एलिमेंट्स है ए आई जे, ओके, यहाँ पे को फैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज मतलब हमें क्या हमने देखा था कि जो रो है इसका क्या कर देना है कॉलम कर देना है, तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है देखिए, यहाँ पे थ्री बाय थ्री का क्या करना है ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पे रो का कॉलम करना है, यहाँ पे क्या जीरो माइनस इलेवन जीरो, तो हम यहाँ पे ऐसे कॉलम में लेंगे जीरो माइनस इलेवन एंड देन ज़ीरो, यहाँ पे थ्री वन माइनस वन, थ्री वन माइनस वन, यहाँ पे टू एट थ्री, टू एट थ्री, ओके। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे ट्रांसपोज, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया ये एडजॉइंट हमारा मिल गया, ओके। एंड देन क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे एडजॉइंट मिल गया, हम यहाँ पे ए भी हमारे पास है, ओके, ए हमारा ए है ए मैट्रिक्स, एंड देन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के बाद इससे हमें इससे आई से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपको यहाँ पे और एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि आइडेंटिटी का थ्री बाय थ्री में क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेसिक में, एक बार वापस से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है ए वन होता है,
ए वन होता है, ए वन होता है। देखिए जो इसका डायगोनल होता है ना पूरा, ये क्या होता है, वन होता है। ओके, और जो आजू बाजू रहते हैं ना एलिमेंट बचे हुए, वो क्या होते हैं, जीरो। ओके, तो यहाँ पे आप इसे इजीली ऐसे याद रख सकते हैं, आइडेंटिटी इसको ही बोलते। ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम देख लेते सिंपल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए सब मैं आपको बाजू में कर ले रहे कि इससे हमें क्या हो, इजी हो। ओके, ज़्यादा लेंदी हम करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, बट आपको क्या करना है, बुक में स्टेप बाय स्टेप अपने सॉल्यूशन करना है। ओके, यहाँ पे हमने बट साथ में किया सब। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा ए दिया गया है उसे हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। और आपने 11 में भी इसे डिटरमिनेंट इजीली फाइंड किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक था ए, उसे हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन, माइनस एंड देन प्लस, क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले क्या ए निकालेंगे। ए का क्या, देखिए ए निकालेंगे यहाँ पे, ए का क्या होगा, देखिए 0 × 3, 0 × 3 क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। तो क्या 0 − 0, यहाँ पे क्या ये हो गया, ये किसका निकाला हमने, 1 का निकाला। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, −1 का करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे −1। ओके, यहाँ पे देखना, चलिए इसका निकालते हैं, यहाँ पे क्या 3 × 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया। एंड इसके बाद क्या, 1 × −2, −2 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे −2। ओके, एंड देन क्या है, यहाँ पे देखिए थर्ड का भी इसको क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे चलिए इसका फाइंड करते हैं, 0 × 1, 0 × 0 किससे भी करेंगे, 0 ही आने वाला है। चलिए यहाँ पे 0, ओके, −0, तो हमें इन दोनों का क्या मिल गया, ये किसका हमने निकाला, 2 का निकाला। ओके, 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है। तो चलिए देखिए इसका क्या होगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलने वाला, और यहाँ का पे इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बचा है ये −1 और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हमें +1 मिल गया। ओके, एंड देन क्या अंदर दिया गया है, 9 माइनस माइनस क्या होगा, 2। यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में −1 के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखना है हमें, ठीक है, 9 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 9 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। ओके, यहाँ पे प्लस का प्लस साइन सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 11 कितना हो जाएगा, हमें 11 ही मिल जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ए का कैसे फाइंड करना है, हमने वो देखा, और यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट कितना मिला है, वो 11 हमने यहाँ पे मिल गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमें ये भी मिल गया, हमें जो जो चाहिए था, बाद में एडजॉइंट भी चाहिए था वो भी मिल गया। ओके, एंड देन चलिए हमारा जो मेन मेन स्टेप है वो करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई, अभी ए कहाँ पे, ये हमारा ये है, ओके, ए हमारा, और यहाँ पे क्या, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए हमने क्या फाइंड किया था, ये, तो क्या करेंगे हम, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे ए और एडजॉइंट ए लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप हमारा जो मेन है वहाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए और इसका जॉइंट ए का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का इससे, क्योंकि पता है हमें सेम आने वाला है, बट हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में करना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवेन है यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे 1 − 1 − 2 − 3 − 0 − 2 1 0 एंड हियर 3। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे पॉइंट का साइन डालेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो मल्टीप्लाई है और वो हमें पता चलेगा। यहाँ पे क्या 3 2, यहाँ पे 0 3 2, −11 1 8 एंड 0 − 1 एंड हियर
3। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको इनकी पोजीशंस क्या है, कैसे यहाँ पे करना है इंडा मल्टीप्लाई। ओके, तो पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा लिख के बता रहा हूँ इनकी पोजीशंस। ओके, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में ऐसा लिखना नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको इनकी पोजीशंस समझा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है इनकी पोजीशंस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पे A31, A32 और यहाँ पे A33। ओके, क्या करते हैं अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इनका मल्टीप्लाई कैसे, देखिए यहाँ पे AB 3/3 का है और यहाँ पे AB 3/3 का है, तो कैसे करेंगे इनका मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या देखिए, 1 1 है, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 1 का 0 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ -1 का -11, एंड देन यहाँ पे 2 का 0 के साथ। ओके, तो वैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे लिखते पहले यहाँ पे क्या ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे एक साइड का। ओके, तो यहाँ 1 × 0 क्या होगा, 0, और इसके बाद क्या यहाँ पे -11, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1 एंड -11, तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ओके, एंड देन क्या यहाँ पे 2 × 0 क्या होगा, 0, यहाँ पे +0, और इसके बाद क्या यहाँ पे हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पे सेकेंड वाला लिखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या 2 × -1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या करना है थर्ड में, इसका पोजीशंस में क्या करना है, A 1 3, मतलब क्या फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पे 1 का 2 के साथ करेंगे, -1 8 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंड देन यहाँ पे चलिए नीचे का करते हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 0 हो जाएगा, 0 × -11 करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड देन -2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या सेकेंड देखते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड देन क्या 0 × 1 करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, -2 -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए 3 × 3 किया, कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो सॉरी हमने यहाँ पे 6 लिखा था, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 0 × 1 किया था तो 0, 3 × यहाँ पे -2 × क्या किया था, -1 किया था तो क्या 2 आ गया था। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या देखना है हमें थर्ड वाला, क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 × 2 कितना, 6 हो जाएगा, 0 × 8 0 हो जाएगा, -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे नीचे आइए, देखते थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × -11 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देन देखिए यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × -1 -3 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम देखते यहाँ पे क्या दिया गया, इसमें और इसमें। ओके, 1 × 2 2 हो जाएगा, 0 × 8 0 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस बॉक्स का इसके साथ यहाँ पे दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर लिया, हमने क्या कर लिया यहाँ पे फर्स्ट वाला।
ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे हम क्या इक्वल और यहाँ पे भी इक्वल। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट हमने बना लिया 3/3 का। यहाँ पे देखते हैं क्या सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, 0 + 11 + 0 तो क्या होगा 11 आएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 - 2 क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे +3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखिए, -2 - 8 करेंगे तो क्या होगा -6 आएगा, -6 और यहाँ पे +6 क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या सब 0 है, एड में 0। यहाँ पे क्या 9 + 0, 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या +6 है ये, यहाँ पे -6 तो क्या होगा 0। ओके, यहाँ पे तीनों 0 0, यहाँ पे +3 + 0 तो क्या 3 होगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 9 + 2 करेंगे तो कितना होगा 11 और 0 तो एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया इसका। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे फर्स्ट हमने चेक कर लिया हमें क्या मिला, ये मिला। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड भी चेक करना है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर तो आने वाला सेम ही है। मतलब हमने क्या देख लिया, इन दोनों का देख लिया। ओके, बट आपको यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन करना है। आपको पहले यहाँ पे इसे रखना है, देन यहाँ पे सेकंड इसे और रख के देखना है, बट आंसर आपका जो है सेम ही आने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड करते हैं। ओके, आप जब सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे आंसर को, एंड इसको इक्वेशन सेकंड और यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड। तो चलिए, यहाँ पे इक्वेशन हमने फर्स्ट जान लिया, सेकंड जान लिया, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड देख लेते। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है देखिए नीचे, ए डिटरमिनेंट, क्या लिखना है, ए डिटरमिनेंट किसके बराबर, इनके बराबर क्या, यहाँ पे बाजू में इसके आइडेंटिटी से क्या करना है मल्टीप्लाई। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आइडेंटिटी यहाँ पे 3/3 में क्या होगा, और हमने यहाँ पे क्या किया था, ये फाइंड किया था। मतलब ये क्या है, यहाँ पे 11 है अरे डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, आई से। मतलब क्या आइडेंटिटी हमारा ये। ओके, यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, हमने देखा था 3/3 में क्या होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द गिवन। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 0 0 1। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से। चलिए, 11 × 1 करेंगे तो क्या होगा 11 ही आएगा, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 × 1 11 11 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11 × 0 0 0 11 × 1 11। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो रहा है, लास्ट में हमें सेम मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन करना है, सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई कर लिया, लिखेंगे यहाँ पे हैंस इट प्रूव दैट ए एडजॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको लास्ट में ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना था यहाँ पे वो लिख देना। ओके, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ए सिंपल। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही करना था। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसका माइनर मेजर, बाद में यहाँ पे इसका एडजेसेंट, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या किया था हमने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजेसेंट में क्या कर एडजॉइंट में इसका ट्रांसपोज कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, इसका एडजॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसका क्या कर लिया हमने, जो हमें चाहिए था डिटरमिनेंट, हमने ए का निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, ए चाहिए था, एडजॉइंट ए चाहिए था, हमने यहाँ पे ए निकाल लिया था। ओके, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कर लिया, ए एडजेसेंट, यहाँ पे हमें सब आइडेंटिटी के लिए जो चाहिए था मिल गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके सॉल्व किया,
ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला किया जिसमें हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सेम मिलने आ गए थे, बट यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको बताया कि ये सेम कैसे आएगा, ओके, रीज़न भी हमने देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी किया। आइडेंटिटी हमें पता है, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जर्नल इसका फॉर्मूला, ओके, आइडेंटिटी का सिंपल था। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट मिला था यहाँ पे ए का 11, उसके बाद हमने क्या किया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया आइडेंटिटी और इसका, ओके, यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा यहाँ, ओके। बाद में हमें यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, हैंस इट इज़ प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू एन दिस, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। हाँ, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।